हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैंने कितना खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है। इसे मैंने फटी पुरानी जिन से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वेस्ट पड़े हुए जींस के पैंट से डोरमैट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जींस का पैंट लिया है। तो अब हम इसकी एक लेग लेंगे, उसे हम इस तरह से रख लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का जो पार्ट है उसे कट कर देंगे, इसकी मोहरी, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम इसमें से 7x5 के कपड़े कट करेंगे चौकोर। तो इसे मैंने डबल ही रखा है। तो यहाँ से पहले 5 देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 नहीं निकल रहा है, तो इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम इसमें से 7x5 का ये कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से ये चौकोर पीस कट कर लेंगे, जितने भी हमें इस डोरमैट में लगाने हैं उतने। तो यहाँ पर मैंने ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कलर की जींस थी, तो मैंने यहाँ पर 2 कलर के कर लिए हैं। तो ये मैंने 5 पीस ब्लू वाली जींस के किए हैं और 4 पीस मैंने इस वाली जींस के किए हैं। तो जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप ये कट कर सकते हैं। तो पहले हम 1 पीस रखेंगे इस तरह से, 1 पीस लेंगे और 1 पीस हम ये दूसरी वाली जींस का लेंगे, फिर इसके बाद 1 पीस हम इस वाली जींस का लेंगे। तो इस तरह से हम इन पर सिलाई लगा लेंगे, फिर एक पट्टी हमारी ये बन जाएगी, फिर हम दूसरी पट्टी बनाएंगे। तो उसमें हम ब्लू बीच में रखेंगे और साइड से हम ये दूसरा वाला कलर रखेंगे। तो ये हमारी बीच वाली पट्टी हो जाएगी। तो ये हमारे डोरमैट की इस तरह से डिजाइन आएगी। तो अभी मैं आपको रख के ही दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमें इसे सिलना है। तो ये वाली पट्टी को भी हम सिल लेंगे और इस तरह की भी हम 2 पट्टियाँ सिल लेंगे। तो इनको हम सिल लेते हैं आपस में। तो पहले हम साइड साइड की पट्टियाँ सिलेंगे। तो उसके लिए पहले ये ब्लू वाला लेंगे, तो उसके बाद ये दूसरा कलर लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा सिल के इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरा ब्लू पीस रखेंगे, तो इसे इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा सिल के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की हमें 2 पट्टियाँ बनानी हैं, तो इन्हें सिल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बीच के लिए सिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पीस रखेंगे, उसके बाद हम ये ब्लू वाला रखेंगे, तो इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे, तो इसमें सिल जाएगा। इसके बाद इसे उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा सिल के तैयार हो जाए। इसी तरह से हम इन तीनों को सिल लेते हैं, तीनों पट्टियों को। तो इन तीनों पट्टियों को मैंने सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम इस वाली पट्टी को बीच में रखेंगे और इसके बाद हम इसे रखेंगे यहाँ पर, और एक पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो ये डोरमेट हमारा ऐसे आएगा। तो अब हम एक पट्टी को उल्टा रख लेते हैं, एक को सीधा, और इस पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा सिल्कर इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से हम
इसे भी इसमें सिल देंगे। तो इसे सिल लेते हैं। तो इन तीनों को मैंने एक दूसरे में सिल लिया है, तो ये डोरमेट हमारा इस तरह से आएगा। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर बेड शीट में से कपड़ा कट कर लिया है, तो इसी के नाप का कट कर लिया है। तो अब हम इसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सीधा अपना ये रखेंगे फ्रंट वाला। तो सबसे पहले हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो चारों किनारों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे मैंने सिल लिया है बेस लगा चारों ओर से। तो अब हम इस पर किनारी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कुर्ती में से एक कपड़ा कट कर लिया है, तो इसमें से मैंने 1.5 इंच की यहाँ पर पट्टियाँ कट कर ली हैं, तो इसी के नाप की। तो इस तरह से रखेंगे और इस पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड में एक पट्टी सिल लेंगे सीधी सिलाई लगा के। तो इसे भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इसे मैंने सिल लिया है, तो अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसकी पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों ओर इस पर इसकी पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे सिलना है। तो इसी तरह से हम इसके चारों ओर ये पट्टियाँ सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके चारों ओर मैंने किनारे सिल ली है इस तरह से। तो ये हमारा डोरमेट काफ़ी थिक है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।